मुख्यतः बात तो यह है कि जो नए हमारे प्रणाली से हॉट कुक बन रहा है और टेक होम मील जो है नए प्रणाली से शुरू हुआ है, पूरी तरीके से मेले भी हो रहे हैं और इनका आयोजन अच्छे तरीके से हो रहा है। इसको और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए हम लोग जो है हमारी आशा, ANMs, आंगनवाड़ी, उसके साथ जो हमारे NPRC के टीचर्स हैं, ग्राम प्रधान, इनकी एक संयुक्त ट्रेनिंग जो है हर ब्लॉक में की जाएगी 2 पालियों में, ताकि उनको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हो सके और कैसे फंड्स अलॉट हो रहे हैं और कैसे उसको खर्च करना है, ताकि एक इफ़ेक्टिव तौर पे जो है गांव में एक यूनिट काम करे और कुपोषण पे जो है रोकथाम हो सके, इसके ऊपर जो है चर्चा हुई। कुछ जो भवन निर्माण हो रहे हैं जिनमें फर्श इत्यादि का काम पूरा नहीं हो पाया है, काफ़ी समय से वार्निंग देने के बाद जो है अब उनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए जो है हमने निर्देश दिया। इसकी जानकारी तो मेरे ख्याल से DPO ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, पर अंदाज़न 10-15 तो हैं।